नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 12 जून के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। देखिए लोग कैसे खरीदते हैं झगड़ा। महिलाओं के साथ अपराध में भारी इजाफा। पहली पत्नी को छोड़ रचा ली दूसरी शादी। जांच में रिपोर्ट आई सामने, अभी नहाने लायक नहीं है गंगा का पानी। मोबाइल चार्ज करने में अधेड़ महिला की मौत। राशन दुकान के लिए 30 जून तक करें आवेदन। जिले में रह गए हैं कोविड के 49 एक्टिव मरीज। यह थी आज की प्रमुख खबरें। हमारे समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक एवं कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। अब खबरों की चर्चा विस्तार से, और सबसे पहले बात गंगा की। यहाँ जो आप दृश्य देख रहे हैं, 20 दिन पहले जब पहली बार हमने गंगा के पानी के हरे होने को लेकर खबर चलाई थी, यह दृश्य उस समय का है। हालांकि फिलहाल पानी का रंग कुछ बदला है, क्योंकि गंगा का जलस्तर बारिश की वजह से ऊपर उठा है। पानी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, वैज्ञानिकों का कहना है, वैसे संक्रमण दूर होगा। हालांकि सबसे राहत की बात यह है कि इसमें कोरोना के लक्षण अथवा वायरस नहीं पाए गए हैं। वाराणसी में से जो शोध रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ गई है। मिर्जापुर के पास कोई औद्योगिक इकाई है जहाँ से केमिकल रिसाव हो रहा है, वही इसका मुख्य कारण है। हालांकि पानी में शैवाल के अधिक होने की वजह से यह हरा दिख रहा है। इसमें आप नहाने से परहेज करें, कम से कम एक आध हफ्ते बाद, जब तक पानी का रंग बदल नहीं जाता। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, सिर्फ गंगा ही दूषित नहीं हुई, लोगों की मानसिकता भी दूषित हुई है। क्योंकि जिले में पिछले 3 दिनों के दौरान महिला उत्पीड़न से जुड़े कुल 6 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें महिला किशोरियों के साथ छेड़खानी, दुष्कर्म, यहां तक कि राजपुर इलाके में एक महिला बैंककर्मी की हत्या की भी बात आपने देखी है। बीते 24 घंटे के दौरान अकेले डुमराव अनुमंडल में छेड़खानी के 2 मामले दर्ज किए गए। डुमराव के लाखन डेरा गांव में एक युवती के साथ ऐसी घटना घटी। वहीं चक्की ओपी के विशेषर डेरा में एक महिला के साथ भी इस तरह के कुकृत्य किए जाने की बात सामने आई है। इन दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बक्सर पुलिस क्या कर रही है, यह आने वाला समय बताएगा। 3 दिन पहले राजपुर इलाके में 2 प्राथमिकियां एक साथ दर्ज की गई थी, महिला बैंककर्मी की हत्या, एक किशोरी के साथ दुष्कर्म जैसा कुकृत्य। इन दोनों मामलों को भी अभी सुलझाया नहीं जा सका है। नवानगर थाने में भी बीते दिन रूपा देवी नाम की एक महिला ने अपने पति संजीव चौधरी, ग्राम वासुदेवा, के खिलाफ FIR कराया है। उसका कहना है उसने दूसरी शादी कर ली है। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं, यह नया बाजार के वार्ड नंबर 6 का दृश्य है। शुक्रवार को सुबह 6 बजे, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो CCTV कैमरे का फुटेज है, इसमें आप देख पाएंगे सुबह 6 बजे के लगभग 11 तारीख को किस तरह एक 2 परिवारों के लोग एक दूसरे पर ऐसे हमलावर हुए जा रहे हैं। युवक युवतियाँ, वृद्ध महिलाएँ, सभी एक दूसरे पर प्रहार करते आपको यहाँ दिख रहे हैं। यह CCTV कैमरे का फुटेज है और यह घटनाक्रम का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा पानी की वजह से यहाँ विवाद हुआ है। वैसे पानी का अपना एक गुण है, चाहे वह ठंडा हो या गर्म, आग को बुझा देता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति पर उसे आप उड़ेल दें तो वह गुस्से से लाल हो जाता है। अब इस दृश्य को आप प्रारंभ से देखिए। यहाँ 2 परिवारों में वाक युद्ध चल रहा है। एक महिला अपने गेट के अंदर टहल रही है, सामने वाला पड़ोसी आता है और पानी से भरी बाल्टी उसके घर में फेंक देता है। घर में पानी उड़ेलता देख अंदर से लोग बाहर निकलते हैं। आपके सामने फिलहाल वही दृश्य है, गेट खुलता है, लोग बाहर जाते हैं। अगला पानी फेंक कर तो पहले से हाथ में पत्थर लेकर तैयार है। आइए फिर देखते हैं और देखिए दरवाजे पर किस तरह वह सामने वाले का गमछा छीनता है और विवाद बढ़ना शुरू। फिर दोनों तरफ से गुत्थम गुत्था, आसपास के लोग कुछ मज़े लेते हुए, कुछ विवाद को शांत कराने का प्रयास करते हुए, जाहिर सी बात है
समाज दूषित है, हमले हो रहे हैं तो हर तरफ हो रहे हैं। दूषित समाज का ही परिणाम है लोग शांति छोड़कर विवाद तलाश रहे हैं। इस मामले में नगर थाने ने अभी प्राथमिकी दर्ज की या नहीं की, लेकिन बीते दिन दोनों ही पक्ष के लोग थाने आए थे। पुलिस की कार्रवाई क्या चल रही है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। राजपुर इलाके के बारूपुर गांव की रहने वाली सुमरिया देवी, उम्र 55 वर्ष नाम की अधेड़ महिला, शुक्रवार को मोबाइल चार्ज करने के दौरान लगे करंट से कालकौलित हो गई। आपको चलने से पहले दो बातें और बता दें, जिलाधिकारी कार्यालय ने सूचना जारी की है, वैसे लोग जो राशन दुकानों के लिए अप्लाई करना चाहते हों, जन वितरण प्रणाली की दुकानों के लिए लोग 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अथवा जिला आपूर्ति कार्यालय से आप संपर्क कर इस बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लगे हाथ आप कोविड से भी अपडेट हो लीजिए। ज़िले में फिलहाल 49 एक्टिव मरीज हैं। शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति कोविड से ठीक हुए, कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया है। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।